टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजनेस न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल अभी ईडी नहीं जाएंगे। यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या ना होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से फैसला आया है। अदालत ने पूजा करने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन की बस में आग लगा दी है। मराठा समुदाय मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अगली सूचना तक जालना जिले में बस सेवा बंद कर दी है। मराठा आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन के चलते जालना जिले की अंबाड तहसील में कर्फ्यू लगा गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विधानसभा में आज मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। यूपी के जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और रोडवेज बस में टक्कर हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उस पर सवार 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र कार्यक्रमों में से एक भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री परणप्री बहिदा नुकारा भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 10वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में मथुरा से चुनाव लड़ने पर अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा कि अगर ब्रजवासी चाहते हैं तो मैं फिर से मथुरा से चुनाव लड़ूंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ करेंगे और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शादी की खुशियों के बीच मुकेश अंबानी को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल शादी की खुशियों के बीच अंबानी ने एक बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिस्नी ने अपने मीडिया ऑपरेशंस को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट पर साइन किए हैं। बीएसई का सेंसेक्स आज 97.98 अंक या 0.13% की गिरावट के साथ 73,084 के स्तर पर खुला है। एनएससी का निफ्टी 43.50 अंकों या 0.20 अंकों की गिरावट के साथ 22,169 के लेवल पर खुला है। पाकिस्तान के लाहौर में अरबी प्रिंट वाला कपड़ा पहनने पर एक महिला को ईश निंदा के आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से बचाकर महिला को वहां से ले गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांकी की ओर से लगाए गए बेबुनियाद आरोपों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम फडणवीस के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद उन्हें उनकी सरकार के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मराठों को आरक्षण देने की मांग पर फिर से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अनशन कर रहे मराठी नेता मनोज जरांकी पाटिल ने राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। रांची टेस्ट की चौथी पारी में 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को पहला झटका लग गया है। यशस्वी जायसवाल 37 रन बनाकर आउट हुए, जिन्हें रूट ने अपना शिकार बनाया। रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट की दूसरी पारी में 69 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। राकुलप्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। स्टोरी में एक्ट्रेस ने अयोध्या की तरफ से आए प्रसाद की झलक फैंस के साथ शेयर की है। इसके साथ ही एक तस्वीर में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें राम मंदिर की छोटी सी प्रतिकृति और एक चांदी का सिक्का रखा हुआ है। उर्वशी रौटेला ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उर्वशी के बर्थडे पर योयो हनी सिंह ने उन्हें सोने का केक गिफ्ट दिया है। आर्टिकल 370 फिल्म की बात करें तो यामी गौतम की इस फिल्म को वीकेंड का पूरा फायदा मिला है। उनकी फिल्म के 3 दिनों की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। उन्हीं की फिल्म के साथ विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल की फिल्म क्रैक भी रिलीज हुई है, लेकिन ये एक्शन पैक्ड फिल्म ऑडियंस के लिए भी तरस रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।